आदवन सेवा समिति की ओर से देहरादून ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर नीम के पेड़ों का वितरण किया गया। इस दौरान आदवन समिति द्वारा 100 से अधिक नीम के पेड़ वितरित किए गए। आदवन सेवा समिति की अध्यक्ष संगीता चौहान ने समिति के स्वयंसेवियों के साथ मिलकर मार्ग पर जा रहे राहगीरों को इन पौधों का वितरण किया। इस दौरान नीम के पौधे लेने वाले लोगों में उत्सुकता दिखाई दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने पहुंचकर इस पहल को पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से अति आवश्यक और सराहनीय बताया। उन्होंने कहा है कि सभी के सहयोग से ही पर्यावरण संरक्षण का कार्य पूरा हो सकता है। लिहाज से सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आज के समय पे जब हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तापमान हो रहा है, धरती का पूरा बैलेंस खराब हो रखा है इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं, क्योंकि रोड का चौड़ीकरण जो हुआ है उसकी वजह से अंधाधुंध पेड़ काटे गए, इतने पेड़ काटे गए जिसकी वजह से जानवर, जंगली जानवर सारे के सारे जो है गर्मी से कुछ तो मर ही रहे हैं, सभी लोग देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं एसी फट रहे हैं। इस वजह से जो है ये सब किस वजह से हो रहा है, सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, और हमने इसीलिए ये सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए आज हमने सोचा है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम कुछ नीम के पौधे लगाएं और डिस्ट्रीब्यूट भी करें, सबको दें। फ्री हम प्लांट्स दे रहे हैं सभी लोगों को जो भी इसे ले और अपने घर पे लगाए। हमने ये सोचा है कि एक घर और एक पेड़, कम से कम एक घर और एक पेड़ ज़रूर होगा। तो अगर इतने लोग, इतनी आबादी, अगर हर घर में अगर एक ऑक्सीजन देने वाला नीम का पेड़ भी लगाया जाएगा तो उस वजह से कि बहुत परिवर्तन आ सकता है। पर्यावरण के लिहाज से जो पर्यावरण की विषम परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, एक किस्म से प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है कि पर्यावरण का ध्यान रखो, नहीं तो आने वाले समय में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे जैसे पर्यावरण में परिवर्तन होते जा रहे हैं, गर्मियाँ इतनी बढ़ती जा रहे हैं, अभी भी चेतावना कि आगे भी सुधरे नहीं, इंसान तो अभी भी नहीं सुधरा, तो भविष्य में क्या स्थिति हो सकती है इसकी कल्पना करना असंभव है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, और इस आदवन समिति का जो आज का ये कदम है, ये सराहनीय कदम है। निश्चित तौर पर हर इंसान दो दो पेड़ भी लगाए तो जो पर्यावरण को जो अभी इंसानों के द्वारा ही जो क्षति पहुँचाई गई उसको काफ़ी हद तक कवर किया जा सकता है, और पर्यावरण की स्थिति से हमारा जो वातावरण और ये सब में सुधार निश्चित होगा। कल 5 जून का जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण 2 जगह किया गया था, इसमें जज साहब द्वारा कचहरी में भी किया था और नगर पालिका द्वारा जो मोक्षधाम निर्मित किया जा रहा है यहाँ पर भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था, और समय समय पर नगर पालिका जगह जगह पौधारोपण करती जा रही है।